अगर आप पल्टन बाजार से अंदर 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 आई थिंक दिस इज इनफ। मैंने बहुत सारी शॉप्स आपको बता दी हैं और आप बेस्ट नहीं पूछना ठीक है इस वीडियो में हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू डे विद न्यू व्लॉग। सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि आप अपनी सेकंड हैंड बुक्स कहाँ बेच सकते हैं और थोक में जो है कॉपी किताबें कहाँ ले सकते हैं। तो मैं यहीं पे पल्टन मार्केट में आगे काफ़ी आगे हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे जो है आप कम रेट में एक साथ जो है काफ़ी कॉपीज अपनी ले सकते हैं और अपनी जो कॉलेज की स्कूल की सेकंड हैंड बुक्स हैं वो यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसी से चलते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉप में लेके जाती हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है घंटाघर में, मीन्स जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी सेकंड हैंड बुक्स, इवन तो आप ना इग्नू की बुक जो होंगी ना आपकी उनको भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ आप चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज जनता पुस्तक भंडार। और यहाँ पे देखो ये घंटाघर में, अभी मैं डायरेक्ट आपको शॉप में लेके चलती हूँ। तो दैट इज़ द शॉप हियर। ये आप देखते हो, मैं एक बार अंकल से भी बात करती हूँ, देखते हैं उनकी शॉप में क्या क्या होता है जो मेरे को नहीं पता, और क्या पता कुछ आपके काम की चीज़ें बता दें। मेरा जनता पुस्तक भंडार, तो एक बार मैं अंकल से ट्राई करती हूँ पूछने का, ठीक है। ये देखो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे से जा रहे हैं, ये देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह दिख रही हैं, कॉपीज़ वगैरह दिख रही हैं। भैया आप बता सकते हो आप कैसे सेकंड हैंड बुक्स ले लेते हैं आप? और मतलब किसके स्कूल लेवल की? स्कूल, ग्रेजुएट, कंपटीशन, सब लेवल। अच्छा, कंपटीशन की बुक भी बिक जाएंगे, तो जो रिसेंट होती है या फिर पुरानी भी बिक सकती है जो हमारे पास पुरानी होंगी? ज्यादा पुरानी तो नहीं, हाँ ज्यादा पुरानी ना हो, थोड़ी पुरानी हो, एक दो साल पुरानी। अच्छा, एक दो साल पुरानी बुक जाती है। और क्या क्या भैया जो नया कॉपीज भी बिकाते हैं आप लोग? अच्छा, स्कूल और इग्नू की बुक्स, इग्नू की बुक जाती है तो जो हमें वहाँ से मिलती है, जो क्या बोलते हैं कॉलेज वाली नहीं से आती है। अच्छा हाँ जी, अच्छा जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर राइटर के होंगे वो? अच्छा अच्छा, और सेकंड हैंड देते भी हैं? तो मतलब अगर हमको लेनी है सेकंड हैंड बुक्स तो कितने परसेंट डिस्काउंट पे मिलती है? अच्छा, बुक की कंडीशन लेके तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलता है लगभग? जो हमारी पुरानी जो सेकंड हैंड बुक्स हम ले रहे हैं वो भी कंडीशन के हिसाब से? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू भैया। और कोई शॉप है यहाँ पे जो ऐसे डिस्काउंट वगैरह में देते हैं, मतलब जो सेकंड हैंड बुक्स लेते हैं? सिर्फ आपके पास है? अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। इसका नाम पर्टिकुलर जगह का नाम है क्या? मोती बाजार। मोती बाजार, अच्छा घंटाघर से आगे है तो ये घंटाघर में ही आता है पूरा? इधर कोतवाली के सामने। अच्छा, कोतवाली के सामने। देखो जनता बुक स्टोर के जस्ट बगल में एक और शॉप जहाँ पे आप सेकंड हैंड बुक्स अपनी बेच सकते हो, तो दिस इज बुक्स वाटिका। मैं अंदर पूछती हूँ कि यहाँ पे कितने डिस्काउंट में आपको सेकंड हैंड बुक्स बेच भी सकते हो और कितने डिस्काउंट में ले सकते हो, तो मैं अंकल से बात करती हूँ एक मिनट। तो ये है बुक्स वाटिका वाले स्टोर। तो भैया आप सेकंड हैंड बुक्स बेचते हैं आप और लेते भी हैं अगर हम सेकंड हैंड बेचना चाहे तो? और स्कूल लेवल की या फिर सब कॉम्पिटिशन की भी बिक जाती है? और कॉलेज लेवल वाली? कॉलेज वगैरह की सब होता है। अच्छा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रहता है जितने में हम ले सकते हैं, मींस कितना कम हो जाता है ओरिजिनल बुक में? हाँ, सेकंड हैंड में 40% तक कम हो जाता है। 40% तक कम हो जाता है। और अगर हम बेचना चाहें फिर? बेचना चाहें तो आपको हाफ रेट में भी बिक जाती है। अच्छा, हाफ रेट में भी बिक जाती है। और हाफ के बुक की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, थैंक यू भैया। तो देखो ये मैं पल्टन बाजार में काफ़ी अंदर, ये है धामा वाला और यहाँ पे देखो सुशील एंड कंपनी है, होलसेल स्टेशनरी की बहुत बड़ी शॉप। तो ये देखो यहाँ पे आप बुक्स के स्टैक्स देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो यहाँ पे आपको जितनी भी बुक्स है, कॉपीज़ है, बुक्स तो आई डोंट नो बट कॉपीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, कॉपीज़ आपको होलसेल रेट पे मिल जाती हैं। और ये देखो आई थिंक कॉपीज़ ही मिलती है, बुक्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो ये इतनी बड़ी स्टेशनरी शॉप है देखो आप मेरे पीछे। तो एक बारी मेरी मामी मेरे को यहाँ पे लेके आई थी, तब से मेरे को आइडिया है कि यहाँ पे जो है होलसेल में बुक्स वगैरह मिलती है, सॉरी कॉपीज़ वगैरह मिलती हैं। अंकल रजिस्टर वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे होलसेल रेट? रजिस्टर भी मिल जाते? अच्छा, पूरा मतलब अगर हमको स्टैक मतलब स्टॉक में लेना तभी मिलेगा, अगर कोई एक दो कॉपी ले जानी वो नहीं मिलेगी? वो भी दे देते हैं। अच्छा, थैंक यू अंकल। तो डिटेक्टिव आकांक्षा ने पता किया है, तो लोगों का कहना है कि इस अंदर गली में पूरी यही सब है, यहाँ पे होलसेल वगैरह में मिलता है। तो देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, एक लाइक तो बनता है।
अब देखते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को कोई बुक्स वाला जहाँ पे बुक्स मेरे को होलसेल रेट पे मिल जाए, मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे कहीं मिल जाए। और यहाँ पे देखो आप, मेरे ख्याल से पूरी गली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी होलसेल रेट पे कॉपीज़ मिलती हैं। आगे चलते हैं। और ये मुझे मार्केट बन के दिख रहा है, बन के लग रहा है मुझे। तो देखो अनदर, ये जनता बुक स्टोर, जो जनता बुक भंडार के बगल में, ये देखो एक है रमेश बुक डिपो और उसके बगल में अग्रवाल ब्रदर्स। तो अग्रवाल ब्रदर्स में मिलते हैं हमको थोक में कॉपी किताब, और ये थोक में कॉपीज, और ये जो है रमेश बुक डिपो, यहाँ पे मिलते हैं हमको बुक्स। तो मैं एक बार पूछती हूँ अंकल से, यहाँ पे बुक्स ही मिलती है या फिर कॉपीज़ भी मिलती है थोक में? तो एक बार मैं पूछ के आती हूँ अंकल से। तो है ये है हम रमेश बुक डिपो पे। तो अंकल यहाँ पे बुक्स होलसेल रेट पे मिलती हैं? होलसेल रेट पे दोनों, होलसेल रेट पे। और स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, किस लेवल की बुक्स? ऑल लेवल की। अच्छा, हायर लेवल की मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छा इंजीनियरिंग सब जगह की। और वो क्या कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव क्यों करते हैं? तो जो स्कूल लेवल की होती है वो नहीं मिलती है? अच्छा, सिर्फ सब होलसेल रेट पे। अच्छा, कॉपीज ही सॉरी बुक्स ही बुक्स की कॉपीज, कॉपीज सब कुछ। तो ये देखो अंकल आपको बता ही चुके हैं कि अगर आप हायर स्टडी कर रही हैं, हायर लेवल की स्टडी, बीटेक इंजीनियरिंग और यूजी पीजी, तो सब बुक्स यहाँ पे मिल जाती है होलसेल रेट पे। और इवन दो ये कॉपीज़ भी बेचते हैं होलसेल रेट पे। तो अगेन ये भी जो है जनता बुक स्टोर जो मैं यहाँ पे ले गई थी आपको, उसके जस्ट बगल में ही है, उसके जस्ट अपोजिट में ही है, मोती बाजार इसका नाम है, और पल्टन बाजार में ये सारे मार्केट इंक्लूडेड हैं। अब देखो ये जो ये मोती बाजार वाली गली है ना, जहाँ पे आपको ये जनता बुक स्टोर और रमेश बुक डिपो मिलेगा, तो यहीं पे अनदर है अग्रवाल बुक स्टोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपीज़ के कितने बड़े बड़े स्टैक है, तो सारे होलसेल रेट पे मिलते हैं। और ये देख रहे हो आप यहाँ पे रजिस्टर से लेकर और जो प्रिंट आउट वाले पेजेस होते हैं, A4 साइजेस वाले पेजेस, तो हमको बड़े बड़े स्टैक दिख रहे हैं। तो सारे के सारे ये वाली शॉप अग्रवाल ब्रदर्स, इनकी शॉप में मिल जाएंगे आपको। तो स्टूडेंट, आई होप मैं आपको हेल्प कर रही होंगी और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आप जैसे हम शॉप वगैरह से लेते हैं तो वहाँ पे काफ़ी महंगी हमें कॉपीज वगैरह मिलते हैं। आई होप मैं आप सबको हेल्प कर पा रही होंगी। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ, मैंने बहुत सारी शॉप्स आपको बता दी हैं। तो ये देखो यार, इस लेन में पूरे ऐसे ही हैं, ये देखो आप सारी बुक्स वगैरह के ही स्टोर है। तो अब ये मत पूछना कौन सा बेस्ट है प्लीज़ क्योंकि अब मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, मैं आपको शॉप दिखा सकती हूँ और जगह बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हैं। ये सारी इस लेन में देखो मेरे को पूरे वही दिख रहे हैं। पहले मैंने सोचा एक एक शॉप में जाके मैं पूछूं, बट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी मटीरियल है। तो अगर आप पल्टन बाजार से अंदर तो काम की चीज़ वहीं मिलेंगी। अगर कॉपी किताब वाली चाहिए, कपड़े वगैरह चाहिए, तो आपका काफ़ी काम एंड में, स्टार्टिंग में हो जाएगा। लेकिन बुक्स वगैरह चाहिए तो आपको धामा वाला आना पड़ेगा। और उस इस पूरी लेन में वही सब है यार, मतलब मैं कितने दिखाऊं आपको। और आप बेस्ट नहीं पूछना ठीक है इस वीडियो में, क्योंकि ये मुझे भी नहीं आइडिया, ये आपको खुद आके यहाँ आके पता करना पड़ेगा। मैंने लोकेशन आपको बता दिया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।